हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सेल में दो ऐसे कोड बताएंगे जिसे अगर आप सीख लेते हैं तो आप एक्सेल स्मार्ट कहलाएंगे। पहला कोड होगा ऑटो फिट कॉलम के लिए, जिससे एक्सेल शीट में आप कोई भी फील्ड बनाएंगे तो उस कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली फील्ड के अनुसार बदल जाएगी। दूसरा कोड हम आपको बताएंगे, उससे आपकी एक्सेल की फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। आप एक्सेल में कुछ भी करेंगे और बगैर सेव किए हुए अगर बाहर भी आ जाएंगे या एक्सेल में काम करते हुए अगर बीच में लाइट भी चली जाती है और आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तब भी आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो इन कोड को एक्सेल की सीट पर किस तरह से लगाते हैं, आइए देखते हैं इसे हम कंप्यूटर के ऊपर। व्यूअर्स, ये हम अपनी एक्सेल शीट पर आ गए हैं। अभी हम यहाँ पर एक्सेल के सेल में कोई भी फील्ड डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ हमने लिखा पहले कॉलम पर सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम पर लिखा एम्प्लॉय नेम, तीसरे पर लिखा एम्प्लॉय सैलरी। तो ये देखिए, कॉलम की यह जो विड्थ है यह फिक्स है। अब अगर इन्हें हमें इन फील्ड के अनुसार सेट करना है तो हमें यहां से इनको इस तरह से कम या ज्यादा करना होगा, क्योंकि अभी ये सीट नॉर्मल है। तो यहां अभी हम इनको कम या ज्यादा कर रहे हैं इन फील्ड को, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं उसके अनुसार इन फील्ड को जब भी हम डिफाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली फील्ड की विड्थ के अनुसार सेट हो जाएगी। तो वो होगी एक छोटे से कोड को लिखने से। तो कैसे लिखें वो कोड, आइए देखते हैं। तो इसके लिए आपको जहां पर भी वह वर्कशीट बनानी है उसी सीट के नीचे यहां पर आपको माउस का राइट बटन क्लिक करके, ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें से व्यू कोड को सिलेक्ट करना है। तो देखिए इसमें VVA प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। अब यहां से आपको सिलेक्ट करना है दिस वर्कबुक, तो यह इसकी कोड स्क्रीन ओपन हो गई है। इस पर आपको दो ड्रॉप डाउन वार दिखाई दे रहे हैं, तो इस वार पर क्लिक करके वर्कशीट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसमें यहां पर एक छोटा सा कोड लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे सेल्स, चाहे आप इसको स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद डॉट प्रेस करेंगे और यहां लिखेंगे एंटायर कॉलम, ENT, ये देखिए ये आ गया है। यहां से हम टैब से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर से डॉट प्रेस करेंगे। अब यहां हम लिखेंगे ऑटो फिट और यहां से इसको सिलेक्ट कर लिया और टैब लगा के अब इसमें हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये एक छोटा सा कोड आपको लिखना है। अब इस कोडिंग स्क्रीन को बगैर क्लोज किए हुए एक्सेल की फाइल को ओपन करेंगे। ये देखिए एक्सेल की फाइल ओपन हो गई है। अब सीट के कॉलम में कुछ भी लिखेंगे तो कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। आइए देखते हैं, जैसे हमने लिखा यहां पर, इसको मिटा के फिर से यहां लिखा सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम पर लिखा एम्प्लॉय नेम और तीसरे कॉलम पर लिखा सैलरी। तो आप देख रहे हैं कि इन कॉलम की विड्थ अपने आप सेट हो रही है इन फील्ड की विड्थ के अनुसार। तो ये तो हो गया कि किस तरह से अपने कॉलम की विड्थ को ऑटोमेटिकली सेट करें। अब हम आपको एक दूसरा कोड बताने जा रहे हैं जिसमें ऑटोमेटिकली आपकी एक्सेल की फाइल सेव हो जाएगी। तो इसके लिए आपको यहां पर फिर से सीट पर राइट बटन क्लिक करके इसमें से व्यू कोड को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर VVA प्रोजेक्ट पर आ गए हैं। अब यहां दिस वर्कबुक पर राइट बटन क्लिक करके फिर से यहां व्यू कोड को सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये एक और कोड की यहां पर विंडो ओपन हो चुकी है। तो इस बार से जो ड्रॉप डाउन बार है इसमें से आप यहां पर पिछले कोड की तरह इसमें से भी आप वर्कबुक को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इसमें ये दूसरे ड्रॉप डाउन बार पे सिलेक्ट करके और यहां से आप सिलेक्ट कर लेंगे बिफोर
क्लोज इस ऑप्शन को। ये नीचे से आप चाहें तो कोड आ रहा है उसको आप हटा सकते हैं। अब यहां पर आपको लिखना है दिस वर्कबुक डॉट सेव, उसके बाद इस कोडिंग स्क्रीन को बगैर बंद किए हुए हम एक्सेल की फाइल को ओपन करते हैं और इस फाइल को आप सेव कर लेंगे। सबसे पहले आप इस फाइल को सेव कर लेंगे जिससे कि ये दोनों कोड परमानेंटली सेव हो जाएं, जिससे जब भी हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये कोड हमेशा के लिए इस फाइल में बने रहें। तो सेव करने के लिए या तो आपने सेव कर ली है तो आप यहां पर सेव एज ऑप्शन का यूज करेंगे। यहां पर पर्टिकुलर फाइल का नाम देंगे, जैसे हमने यहां पर ये एक नाम दे दिया। इसके बाद सेव एज टाइप में आप जाएंगे और यहां से आप सिलेक्ट करेंगे एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। ध्यान से सुने, यहां से आप सिलेक्ट करेंगे एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक और इसके बाद इस सेव बटन पर फिर से क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। अब व्यूअर्स, इसमें आप जो भी कुछ लिखेंगे, लिखने के बाद अब इस फाइल को हम बगैर सेव करके यहां से इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद इस फाइल को हम फिर से ओपन करें तो पहली बार उस फाइल को अगर आप ओपन करते हैं तो यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल्ड कंटेंट्स, तो इसको आप यहां पर एक बार आप इनेबल पर क्लिक कर दें। ये सिर्फ एक बार आपसे पूछेगा इनेबल्ड के लिए, तो एक बार इसको इनेबल करते हैं उसके बाद ये परमानेंटली ये कोड आपके फाइल में सेव हो जाएगा। अब आप इस फाइल के अंदर जो भी चेंजेस करते हैं, इसके बाद इस फाइल को क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद फिर से ओपन करते हैं, या अगर आपकी फाइल के बीच में अगर लाइट भी चली जाती है, लाइट के आने के बाद अगर इस फाइल को खोलेंगे तो जो भी आपने चेंजेस किए होंगे ये चेंजेस ऑटोमेटिकली इस फाइल में, ये देखिए, इस तरह से सेव हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से हम एक्सेल की फाइल में छोटे से कोड लगा के इसकी विड्थ को ऑटोमेटिकली फिट करा सकते हैं और अपनी एक्सेल की फाइल को ऑटो सेव मोड में करा सकते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को भी मिले। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस बेल आइकन के साथ, जिससे कि जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो वो वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। धन्यवाद।